तो बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आपका सीजीएस कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम जनरल साइंस के वो एमसीक्यूज करेंगे जो बहुत सारे एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सारे के सारे फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस और कुछ इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी शामिल होंगे। तो देर ना करके स्टार्ट करते हैं, जुड़ जाइए आप लोग फटाफट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन कौन आ चुके हैं? अभिलाष यादव, गुड आफ्टरनून बच्चे, रजनी रानी, राजीव कुमार, देव सिंह। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सबको बहुत बहुत नमस्कार बच्चों। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टू रिलीव पेन कॉज ड्यू टू एसिडिटी, कहना चाहिए हाइपर एसिडिटी, अति अम्लता कहा जाता है उसको, वी कैन टेक एसिडिटी के कारण होने वाले दर्द से राहत के लिए हम ले सकते हैं। निम्नलिखित में ये चार ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से आप क्या ले सकते हैं? जी, पीडीएफ कहोगे तो अपलोड करा देंगे बेटा इन क्वेश्चंस का, आप क्लास में डटे रहिए, ठीक है? पीडीएफ अपलोड करा देंगे कमेंट सेक्शन में, जो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, रुखसाना जी कह रही हैं डी, कुमारी रुक्षाना, रुक्षाना जी आपके हिसाब से डी है, ठीक है? और साक्षी गोपाल, केमिस्ट्री क्लासेस बाय नीता जैन। अच्छा बिल्कुल, आप केमिस्ट्री क्लासेस वाली हैं, आपको बिल्कुल पता होगा डी है, वेरी गुड। देव सिंह डी, अंकित कुमार डी और प्रीति कुमारी डी। तो बच्चों देखिए होता क्या है, सबसे पहले मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यदि हमें बात करूं तो ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों, MgOH का होल ट्वाइस, ये होता है बीक एसिड, बीक एसिड। और बीक एसिड को, सॉरी वेरी सॉरी, बीक बेस। क्या होता है ये? बीक बेस। आपके जब आप खाना ज्यादा खाना खा लेते हैं या भूखे रहते हैं, ज्यादा तेज मसाले वाला खाना खा लेते हैं, सबके लिए बेटा ये क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन टू ऑल अवर एग्जाम, साइंस के, जनरल साइंस, सीटेट साइंस, सबके लिए ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके जी प्रीति कुमारी, तो आपके पेट में बनता है HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब आप कहोगे साहब स्ट्रॉन्ग एसिड को ये वीक बेस कैसे इसको न्यूट्रल कर पाएगा? तो पहली चीज बिल्कुल नहीं कर पाएगा, कंप्लीट तो नहीं कर पाएगा, थोड़ा बहुत तो करेगा। दो रीजन है, ये HCl जो है इसको मारना नहीं है, यदि ये खत्म हो गया तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपके खाने को पचाने के लिए बहुत आवश्यक है ये, आपकी बॉडी के अंदर आपके स्टमक उनको एक्टिवेट करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये खत्म कर देता है। तो इसको बिल्कुल खत्म नहीं करना, इसके असर को कम करना है, इसलिए बिग बेस का यूज करते हैं। तो इसको कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हाँ यदि ये ना हो तो एक दूसरा, एक बिग बेस और भी यूज किया जाता है इसके लिए, उसका नाम है AlOH का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों का ही यूज करते हैं हम, कैसे यूज किया जाता है? एंटासिड। इनका यूज किस प्रकार करते हैं? अम्ल प्रतिरोधी के रूप में हम इनका उपयोग करते हैं, एंटासिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज ऑल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आर यूज्ड। क्लियर? वॉइस प्रॉब्लम किस किस को हो रही है मेरी? किस किस को मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? प्लीज टाइप बाय, प्लीज टाइप यस इन कमेंट बॉक्स इफ यू आर अनेबल टू हियर माय वॉइस, यदि आप ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं। बेकिंग सोडा का भी यूज कर लेते हैं। किस किस को प्रॉब्लम हो रही है बेटा, बताओ फटाफट। वॉइस प्रॉब्लम, एक मिनट मैं टेक्निकल स्टाफ से बोलता हूँ, जरा चेक करो, वॉइस प्रॉब्लम है, कुछ बच्चे बता रहे हैं।
बच्चों क्या वॉइस क्लियर है? कैन यू हियर मी? फटाफट, इफ माई वॉइस इज क्लियर प्लीज टाइप यस, और वॉइस लिख दीजिए या क्लियर लिख दीजिए, क्लियर कमेंट करो, क्लियर इफ वॉइस इज क्लियर। क्या आप सुन पा रहे हैं ठीक से मुझे? तो दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक जूस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज प्रेजेंट इन योर गैस्ट्रिक जूस और इन योर स्टमक। इज इट क्लियर? वेरी गुड, अब क्लियर है। यस वेरी गुड। ओके, आप किसी बच्चे ने यहां पर कहा कि सर बेकिंग सोडा का यूज भी करते हैं? बिल्कुल करते हैं। आपने इनोप सब लोगों ने पिया होगा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, खाना सोडा, आप लोग बहुत नामों से जानते हैं। दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। केमिकल नेम क्या होता है इसका? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो भी बिग बेस की तरह काम करता है, ठीक है? क्योंकि ये कैसा होता है, बेसिक सॉल्ट होता है, इसलिए इसका भी यूज हम कर सकते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल सोर्सेस कंटेन्स ऑक्जेलिक एसिड? लेमन, ऑरेंज, टोमेटो और टेमारिंड, बताइएगा। सेकेंड का सी, वेरी गुड। तो देखो ऑक्जेलिक एसिड, इस ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला बेटा ये होता है। बेसिकली ये पाया जाता है आपका दो चीजों में, बहुत ज्यादा मिलेगा, मिलने को तो और भी इसके सोर्स हो सकते हैं, टोमेटो, स्पिनेच जिसे पालक के नाम से जानते हैं आप लोग, और इसके साथ साथ मैंगो में भी मिलता है बच्चों, आम के अंदर भी ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। अब आप लोगों को एक चीज पता होगी कि जब किसी को किडनी स्टोन हो जाता है, गुर्दे की पथरी हो जाती है, तब लोगों को कहा जाता है कि भाई टमाटर और पालक मत खाओ। क्यों क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो गुर्दे की पथरी होती है, जो आपकी पथरी है, उसका फॉर्मूला होता है किडनी स्टोन का, कैल्शियम ऑक्जेलेट। अब देखिए आपकी हड्डियां और दांत बने होते हैं कैल्शियम से, बेसिकली कैल्शियम फास्फेट से, तो इसके सोर्स को तो आपको खाना ही पड़ेगा। फिर ऑक्जेलेट कहां से आएगा? वो आता है ऑक्जेलिक एसिड से। तो डॉक्टर कहता है इसका सोर्स बंद कर दो, कम से कम पथरी नहीं बनेगी। समझ में आया ये आपको? ठीक है, ये टमाटर के अंदर क्या पाया जाता है आपका? टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक एसिड देखने के लिए मिलता है। बेटा मेरी तो पता नहीं यूट्यूब पे कितनी क्लास हुई होंगी आज तक। चलिए कोई बात नहीं, आपने तब से ज्वाइन किया था, ठीक है, यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस होंगी बेटा अपनी। जी नहीं, वॉइस की प्रॉब्लम देव सिंह केवल आपको हो रही है, बाकी सब लोगों को नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने फोन को, लैपटॉप को चेक करें, उसका इंटरनेट चेक करें, आपकी नेट की प्रॉब्लम हो सकती है। मेरी तरफ से क्लियर है बेटा। ओके, आगे चलें, समझ आ गया सबको? क्वेश्चन नंबर थ्री। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया? जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नियोन। क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नियोन, इनमें से विच कौन सी गैस जीवाणुओं को मारने में प्रयुक्त की
की जाती है? बताइएगा फटाफट, किस गैस का यूज किया जाता है? जल्दी से बताएं आप लोग। थर्ड का ए, रुक्साना जी कहती हैं ए, ओके। मीनाक्षी हंस भी ए, साक्षी गोपालाचार्य, साक्षी गोपाल केमिस्ट्री क्लासेस बाय नीता जैन ए, ठीक है। नेहा मालवीय ए, देवभूमि ए, माइंडफुलनेस ए। तो बिल्कुल क्लियर है, सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है। इसका आंसर जाता है क्लोरीन। तो क्लोरीन गैस इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। आप लोगों ने कभी देखा होगा दिल्ली जल बोर्ड के लिए लिखा हुआ कि हमेशा दिल्ली जल बोर्ड बीच बीच में कहीं पर कोटेशंस लिख देता है, स्लोगन्स लिख देता है कि केवल जल बोर्ड का, दिल्ली जल बोर्ड का पानी पिए। यदि दिल्ली जल बोर्ड का पानी उपलब्ध नहीं है, हालांकि वो भी साफ नहीं होता, सही बात तो यह है, वो भी पीने योग्य तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी, तो वो कहते हैं कि या तो क्लोरीन की गोली डाल लें, क्लोरीन लिक्विड में है होती है, क्लोरीन का लिक्विड यूज करें, ठीक है। तो क्लोरीन का यूज किया जाता है पानी को साफ करने में। क्यों पानी साफ करने में? क्योंकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया क्लोरीन की वजह से मर जाते हैं। क्लियर? चलो, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल? ठोस कोण की एसआई इकाई क्या है? एसआई यूनिट, एसआई मात्रक, ठोस कोण। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, फटाफट रिप्लाई करेंगे। बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए फटाफट। फोर का बी, तो डी जो दे रहे हैं वो गलत आंसर है। रेडियन जो होता है वो होता है प्लेन एंगल का, ओ आई एम सॉरी, प्लेन एंगल। बेटा ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, यहां पर ऊपर लिखा हुआ है प्लेन एंगल, नीचे ठोस कोण। तो यदि मैं प्लेन एंगल देखूंगा तो हो जाएगा डी, और यदि मैं सॉलिड एंगल देखूंगा तो हो जाएगा आपका बी। ओके, तो जरा यहां पर ऐसे लिख लीजिए, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है बच्चों और कुछ भी नहीं है। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल यानी कि समतल कोण, इसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन, रेडियन, बल्कि इसको ऐसे लिखा जाता है स्मॉल आर से, और सॉलिड एंगल का होता है स्टेरेडियन। चलिए, आप इस गलती को अपॉर्चुनिटी बनाइए, इससे एक की जगह दो क्वेश्चन बनकर के आपके तैयार हो गए स्टेरेडियन। जी, ठोस कोण, सॉलिड एंगल का मतलब ठोस कोण, ठीक है बेटा। यदि इंग्लिश के हिसाब से आप देखेंगे तो डी आंसर है, हिंदी के हिसाब से आप देखेंगे तो बी आंसर हो जाएगा। आप इसी में दो क्वेश्चन बनाइए अपने, समझ गए मेरी बात? आपको इसका ये फायदा उठाना चाहिए। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एसिड रेन डिस्ट्रॉयज वेजिटेशन, अम्ल वर्षा वनस्पतियों को नष्ट कर देती है, बिकॉज इट कंटेन्स, क्योंकि उसमें होता है नाइट्रिक एसिड, ओजोन, नाइट्रिक एसिड ए ऑप्शन, बी है ओजोन, सी इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डी इज सल्फ्यूरिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन एसिड रेन? क्वेश्चन नंबर 5 का बताइए, क्वेश्चन नंबर 5। रुक्साना जी कहते हैं अंकित ए,
और माइंडफुलनेस फन, क्या नाम है बेटा आपका? माइंडफुलनेस फन डी, ममता ममता डी, दोनों ममता भी डी कह रही हैं, डबल ममता डी, और मीनाक्षी हंस कह रही हैं ए। तो बच्चों इसका आंसर डी है। इसका आंसर क्या होता है? एसिड रेन में मूलतः, हालांकि कभी कभी नाइट्रिक एसिड भी होता है, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है एसिड रेन का, वो होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों होता है, कैसे बनता है? तो बेटा आप सल्फर डाइऑक्साइड मार तमाम निकलती है स्मोक वगैरह में, पॉल्यूशन में, पॉल्यूटेड एयर के अंदर होती है सल्फ्यूरिक, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये ऑक्सीजन, वातावरण की ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ये सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड और पानी की जब रिएक्शन होती है, तब आपका बनता है H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर? समझ आ गया आप लोगों को? कुछ भी प्रॉब्लम हो, यदि आपको समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज तुरंत कमेंट बॉक्स में आप टाइप करें, आई विल ट्राई टू रिपीट इट। ठीक है सरबत खान, बिल्कुल सही जवाब, गुड। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट इज द एस आई यूनिट ऑफ प्रेशर? दाब की एसआई इकाई क्या है, या एसआई मात्रक क्या होता है? कौन बताएगा आप में से? क्वेश्चन नंबर छह, रिप्लाई करते रहे फटाफट आप लोग। छह का सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, सही जवाब, सही जवाब। छह का ये वी, ये कैसे दे रहे हैं आप बेटा? छह का सी होगा, साक्षी गोपाल केमिस्ट्री क्लासेस सी। जी, अच्छा गलत टाइप हो गया, सी के बराबर में वी का भी बटन होता है। जी तो देखो इसको ध्यान से, जो प्रेशर होता है, प्रेशर होता है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, ठीक है? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाना चाहिए न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स। लेकिन आप लोग तो जानते ही हो साइंटिस्ट की हम कितनी इज्जत करते हैं, तो इस न्यूटन मीटर पर स्क्वायर को, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर को हमने क्या, किस नाम से जानते हैं? पास्कल साहब की इज्जत की वजह से, ठीक है? पास्कल साहब की हम इज्जत करते हैं, जिसलिए हमने इसका रख दिया पास्कल, और इसको बेटा पीए से डिनोट करते हैं, ठीक है? पीए से इसको डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। आ गया समझ सबको? इज इट क्लियर गाइस? आगे बढ़ा जाए, चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पीको का मान कितना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पीको? पिको, पिको का मान बता दो, 7 का सी। ओके, पहला ऑप्शन है 10^-15 मीटर, 10^-15, दूसरा -11, तीसरा 12 और चौथा 11, 13 है। तो ध्यान से देख लो, यदि आपसे बात किया जाए, कुछ कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? मैं बात करूं माइक्रो, माइक्रो या माइक्रोन की, तो ये होता है 10^-6 के बराबर। मैं बात करूं आपसे नैनो की, ठीक है, नैनो होता है 10^-9 के बराबर। मैं आपसे बात करता हूं यदि एंगस्ट्रॉम की, एंगस्ट्रॉम ये होता है, एंगस्ट्रॉम आपका 10^-10 के बराबर। मैं आपसे बात करूं पिको की, ये होता है 10^-12 के बराबर। मैं
तुझे पूरा इवेंट द्वारा बनाना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं होगा, बताओ वो नहीं कर सकते बेटा। अब तो क्लियर है, अब तो बफरिंग नहीं हो रही। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। तो मैंने बताया माइक्रोमीटर, माइक्रो होता है 10 की पावर -6 के बराबर, नैनो की वैल्यू होती है 10 की पावर -9, एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10 की पावर -10, पिको की वैल्यू होती है 10 की पावर -12, फर्मी की 10 की पावर -15। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 10 की पावर -12, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो 7 का जाता है आपका सी आंसर। 7 का कितना होगा बेटा? 7 का सी। क्लियर हो गया? हाँ जी, 7 का क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 और 9। 8 का देखिए, पहले सबसे पहले आप लोग, 1 किलो वाट आवर इज यूनिट ऑफ, 1 किलो वाट आवर किसकी इकाई है? टाइम, पावर, एनर्जी, स्ट्रेस। देखते हैं कौन बताता है। अब तो वीडियो चल चुका है बेटा, अब तो वीडियो चल रहा है मेरी तरफ से। 8 का बी। अच्छा और बताओ, किलो 1 किलोवाट आवर। 8 का सी, सचिन शर्मा, माइंडफुलनेस, आयुष यादव, काशिफ महबूब, सरवत खान। बी सी, 8 का सी, रुखसाना जी। माइंडफुलनेस आपका देख लिया मैंने, नेहा वाले ने तो सीधा कर दिया डी का। तो इसका सी सही जवाब है, ये एनर्जी का यूनिट है। आपके घर में जो बिजली आती है बेटा, वो किससे आती है? जो एक यूनिट होता है, एक यूनिट बिजली का मतलब है कि 1 किलोवाट यदि बिजली 1 घंटे तक, 1 किलोवाट बिजली यदि 1 घंटे तक जलाई जाएगी तब 1 यूनिट का बिल आता है। तो बिजली क्या है? एक एनर्जी तो है। इसको दूसरी तरीके से देखते हैं, जो पावर होता है बेटा, पावर होता है आपका किसके बराबर होता है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, रेट ऑफ वर्क डन, वर्क अपॉन टाइम। वर्क की जगह आप एनर्जी भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम होता है। अब देखो इसका क्या होता है, जूल, इसका होता है सेकेंड, ठीक है, और पावर का तो जूल पर सेकेंड हो जाना चाहिए था, जूल पर सेकेंड, लेकिन आप लोग तो जानते ही हो कि साइंटिस्ट की हम कितनी इज्जत करते हैं, तो जूल पर सेकेंड को का नाम रख दिया हमने वाट। जूल पर सेकेंड का मतलब हो गया वाट, यानी कि जो वाट है वो किसके बराबर है? वो जूल अपॉन सेकेंड के बराबर है। ध्यान से समझना मेरी बात को। तो जूल किसके बराबर आ गया बेटा? वाट इंटू सेकेंड के बराबर आ गया, वाट इंटू सेकेंड के बराबर आ गया। जूल किसका यूनिट है? एनर्जी का। आपसे मैं पूछूं कि बेटा वाट सेकेंड किसका यूनिट है, आप कहोगे जी एनर्जी का, क्योंकि जूल के बराबर की वैल्यू है उसकी। अब इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जूल बराबर, मैंने बताया इसको मैं पूरा लिख रहा हूं, जूल बराबर होता है आपका वाट इंटू सेकेंड, और जूल किसका यूनिट है? एनर्जी का। तो वाट सेकंड भी किसका यूनिट हो गया बेटा? एनर्जी का। वाट का बड़ा भाई हो गया किलो वाट, सेकंड का बड़ा भाई हो गया आवर, तो किलो वाट आवर भी इसी का यूनिट हुआ कि नहीं हुआ? किलो जूल। तो 8 का सी करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 9 का कौन कौन बता रहे हैं? 9 का सी, खैदम रंजीत, क्या है, खैदम रंजीता, माइंडफुलनेस ने सी दे बता दिया। क्वेश्चन नंबर 9 का दो बच्चे बता चुके हैं, बाकी बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 इज,
एग्जाम्पल ऑफ एरोसोल इज, एरोसोल का उदाहरण है मिल्क, रिवर वाटर, स्मोक और ब्लड। दूध, नदी का जल, धुआं अथवा रुधिर या रक्त। तो देखो, मिल्क जो है वो लिक्विड है, एरोसोल जो होगा वो क्या होगा, एरोसोल का मतलब समझ लीजिए, एरोसोल का मतलब होता है आपका, एरोसोल का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ एयर और मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो बच्चों, एरोसोल का मतलब समझ में आपको आ गया होगा। तो आप देखो, मिल्क क्या है, लिक्विड है, रिवर वाटर लिक्विड है, ब्लड भी लिक्विड है, तो इसका कौन सा जाएगा, नाइन का जाता है सी। नाइन का करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है नाइन का सी। क्लियर? ये रिंकी चौहान बेटा, डी ऐसे कैसे बोल रहे हो आप, डी का मतलब ब्लड, ब्लड इज ए फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड जो है वो लिक्विड होता है मेरे बच्चों। सबको समझ में आ गया, इज इट क्लियर? आगे चलें, चलिए, वेरी गुड। किसी को कोई डाउट हो तो पूछिएगा फटाफट जल्दी। क्वेश्चन नंबर 10, विच गैस इज यूज फॉर आर्टिफिशियली राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। हरे फलों को यानी कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है, एथिलीन, एसिटिलीन, इथेन और मीथेन। क्वेश्चन नंबर 10 का रिप्लाई करेंगे फटाफट, जल्दी से बताइएगा आप। टेन का ए, सचिन शर्मा जी ने कहा ए, माइंडफुलनेस फन, बेटा नाम भी बता दो आप अपना। बी आयुषी यादव, आयुष यादव कह रहे हैं जी ए ए ए इनफाइनाइट ए। कुमारी रुखसाना जी का बी है, आयुष यादव इथाइलीन। अच्छा, आप कुमारी रुखसाना ने भी बी बोल दिया है, ठीक है, पहले भी बी बोला था। मैं पहले 10 की बात कर रहा हूं, माउंडफुलनेस मैं बाद में बात करूंगा, मैंने अभी पढ़ा ही नहीं है। तो सही जवाब यही है इसका, 10 का हो जाएगा बेटा बी। देखो, पके फल जो पकाए जाते हैं वो पकाए जाते हैं कैल्शियम कार्बाइड से, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड के पाउडर को हम फलों के ऊपर छिड़क देते हैं और कमरा कर देते हैं बंद, एयर टाइट। कमरे के अंदर जो मॉइस्चर होती है उसमें पानी होता है, इस पानी के साथ ये रिएक्शन करके बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस C2H2। ये जो एसिटिलीन गैस है, ये है एसिटिलीन गैस, दिस गैस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। आपने देखा होगा फलों के ऊपर कभी कभी व्हाइट व्हाइट सा होता है, इसलिए फलों को अच्छी तरह धो के खाना चाहिए। उसके अंदर ये क्या है, चूना है और कुछ भी नहीं है, बुझा चूना। तो 10 का क्या आ जाएगा, 10 का करेक्ट आंसर है आपका बी। 10 का है आपका करेक्ट आंसर बी। संतोषी अहिरवार, बेटा ए नहीं होगा, बी होगा। और 11 पे आप बाद में पहुंचना, मैंने तो 11 पढ़ा भी नहीं है, अभी पढ़ लेता हूं आप कहते हो तो। भोपाल गैस ट्रेजेडी वॉज कॉज्ड ड्यू टू विच गैस। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके कारण घटी थी। बड़ा भीषण कांड था, पता है बहुत सारे लोग मर गए थे, तो कौन सी गैस इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, देखो बताओ, विच गैस इज रेस्पॉन्सिबल। तो बच्चे आप जवाब दे रहे हैं सी, सी सी सी, बिल्कुल सही जवाब। 11 का जाएगा आपका सी, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है ये लीक हुई थी, जिसकी वजह से लोगों को की डेथ हुई, बहुत सारे लोग बीमार पड़े। भोपाल गैस कांड आप लोगों ने सुन रखा होगा, बड़ा फेमस कांड रहा है ये, ठीक है। कुछ विदेशी लोग थे, तो
जिन पर केस बेस भी चला, अब पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस? गोबर गैस में प्रमुखतः क्या होता है? गोबर गैस में क्या होता है बताइएगा आप लोग? गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है? बताइए। 12 का सी, यस करेक्ट आंसर। तो बच्चों दैट इज CH4 और मीथेन। गोबर गैस में 11 का जाएगा आपका सी, मीथेन। बेसिकली जितने भी कैटल्स होते हैं, घास खाने वाले ग्रेजर्स होते हैं, सेलुलोज पचाते हैं, उनकी आंतों में मिथेनोजन नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है। एक बैक्टीरिया है मिथेनोजन। ये मिथेनोजन क्या करता है? मिथेनोजन का काम है सेलुलोज से मिथेन बनाना। अब गोबर के साथ भी निकल करके जाएगा, गोबर गैस में तो गोबर ही यूज किया जाता है एनिमल डंग यूज किया जाता है, कैटल डंग कहना चाहिए, गाय भैंस बैल वगैरह का। तो ये गैस है जिसको हम ईंधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो 12 का क्या हुआ आपका? 12 का जवाब है सी, करेक्ट आंसर। यस इट इज ऑल्सो कॉल्ड मार्स गैस। मार्स मीन्स होता है दलदल। सबसे पहले ये दलदल वाले एरिया में मिली थी। इसके अलावा आपको और पता होना चाहिए, इट इज ए ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कई बार धान के खेत में कौन सी गैस होती है, तो यही गैस होती है मीथेन। है विच गैस इज प्रेजेंट इन द पेडी फील्ड? क्वेश्चन नंबर 13, प्रोटोजोअन दैट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड विच कैन बी कंसिडर्ड एज देयर कनेक्टिंग लिंक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोआ इज नोन एज कनेक्टिंग लिंकेज बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स? ये आपको बताना है कि जंतुओं के और पौधों के बीच की कड़ी क्या है। ऐसा कोई प्रोटोजोआ जिसके अंदर दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, पौधों के भी और जंतुओं के भी, कौन सा है वो? तो देखते हैं कौन जवाब देता है क्वेश्चन नंबर 13 का। रिप्लाई कीजिए फटाफट, आई एम वेटिंग। जल्दी से रिप्लाई करो भाई। थर्टीन का डी, युगलीना, करेक्ट आंसर। सचिन शर्मा गलत जवाब है आपका, माइंडफुलनेस ने सही जवाब दिया है। रिंकी चौहान बिल्कुल सही जवाब है, युगलीना। क्वेश्चन पढ़ने में नहीं आ रहा, हो सकता है बेटा थोड़ा छोटा फॉन्ट हो गया है, ठीक है, लेकिन मैं तो रिपीट कर रहा हूं ना। पहला ऑप्शन था एंटमीबा, दूसरा ट्रिप्नोसोमा, तीसरा पैरामीशियम, चौथा युगलीना। एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा जो हिस्टोलिटिका है, एंटामीबा जिंजीवेलिस, ये प्रोटोजोन्स होते हैं। एंटामीबा हिस्टोलिटिका आपको डायरिया और डिजेंट्री रोग देता है, ट्रिप्नोसोमा भी आपको ऐसी बीमारियां पैदा करता है, पैरामीशियम जो स्लीपर शेप्ड होता है, जो ये युगलीना है बेटा। युगलीना क्या करता है ध्यान से सुनिएगा, कि इसके पास होता है क्लोरोप्लास्ट यानी कि क्लोरोफिल। ये फोटोसिंथेटिक है, ये दिन में क्या करता है, दिन में फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बना लेता है, यानी कि ऑटोट्रॉफ की तरह काम करेगा। लेकिन जब रात हो जाती है तब ये शिकार पकड़ना शुरू कर देता है। तो रात में ये जानवर बन जाता है, दिन में पौधा, इसलिए इसको इन दोनों के बीच की कड़ी माना जाता है, जंतुओं के और किसके बीच की कड़ी, पौधों के। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 रिप्लाई करो। हीमोफीलिया एज अधिक रक्तस्राव है एक जीवाणु घटित रोग या जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, कॉन्टेमिनेशन डिजीज यानी कि प्रदूषण घटित रोग, या फिर एक
जेनेटिकल डिसऑर्डर, आनुवांशिक विकार। रिप्लाई करो भाई, क्या होता है ये? 14th का डी करेक्ट आंसर। तो ये हीमोफीलिया, हीमोफीलिया जिस बीमारी का नाम है हीमोफीलिया, इस बीमारी में रक्त का थक्का नहीं जमता, ब्लड बहता रहता है, इसलिए ऐसे बच्चे की जो एज होती है वो 7-8 साल मानी जाती है। तब तक भाई कभी ना कभी कट लगेगा, कट जब लगेगा तो बच्चे की जिंदगी खत्म हो जाएगी। कोई इलाज नहीं होता किसी भी जेनेटिकल डिसऑर्डर का। सबसे पहले इस बीमारी का पता चला था महारानी विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया, इंग्लैंड की महारानी थी ये क्वीन विक्टोरिया। चूंकि क्वीन विक्टोरिया में इस बीमारी को सबसे पहले डायग्नोज किया गया था, इसलिए हीमोफीलिया का दूसरा नाम क्या है? रॉयल डिजीज। इसे हम शाही बीमारी के नाम से भी जानते हैं। आम आदमी की होने वाली बीमारी नहीं है बेटा, ये शाही खानदान की बीमारी है। ठीक है, तो इट इज ए जेनेटिकल डिसऑर्डर। 14 का जाता है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों जी, मीनाक्षी हंस। क्वेश्चन नंबर 15, लाइट ईयर इज ए मेजरमेंट ऑफ। प्रकाश वर्ष किसका मापन है? स्पीड ऑफ एरोप्लेन, स्पीड ऑफ लाइट, स्टेलर डिस्टेंस, स्पीड ऑफ रॉकेट। हवाई जहाज की चाल, प्रकाश की चाल, तारकीय दूरी यानी दो तारों के बीच की दूरी, या रॉकेट की चाल। तो सबसे पहले प्रकाश वर्ष अर्थात लाइट ईयर के बारे में जान लेते हैं, होता क्या है प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर। ईयर से आप सोचोगे कि ये तो भाई समय का मात्रक होना चाहिए, लेकिन डेफिनेशन जानना जरूरी है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। इट मींस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। तो ये डिस्टेंस है बेटा, और डिस्टेंस इन तीनों में से एक ही है, कौन सा? स्टेलर डिस्टेंस। तो इसका सही जवाब जाएगा इसका सी, मतलब 15 का क्या होगा? होना चाहिए सी। क्लियर हो गया? फिजिक्स कॉन्सेप्ट बाय पूजा। आपने कुछ मैसेज लिखा था पूजा जी, फिर आपने उसको डिलीट कर दिया। तो 15 का कौन सा होगा? सी, करेक्ट आंसर सी। 16 का कौन कौन बता रहे हैं, मैं भी पढ़ लूं पहले बेटा। विच इफ वन ऑफ द पेरेंट्स हैज ए ब्लड ग्रुप ए बी एंड द अदर हैज ओ। देखो दो लोग हैं, मान लो पेरेंट्स में से, पेरेंट्स का मतलब हुआ माता और पिता, ये मदर और फादर, इनमें से एक का ब्लड ग्रुप है ए बी और दूसरे का है ओ, तो इनके बच्चों के ब्लड ग्रुप कैसे होंगे? कौन बता रहा है आप में से जो सही जवाब? 16 का किसने जवाब दिया था अभी मुझे? सिक्स माइंडफुलनेस ने दिया है। और कोई? नेहा मालविया जी कह रही हैं डी, ए बी या ए बी या ओ। अच्छा बेटा, इनके देखते जीनोटाइप, ए बी में जो जीन होती हैं वो होती हैं आई ए और आई बी टाइप की, ओ के अंदर जो जीन होती हैं वो होती हैं आई ए और आई ओ टाइप की। अब मान लीजिए कि मम्मी की ये वाली जीन फादर के इस वाले जीन से मिलती है, तो बच्चा
का हो जाना चाहिए जीनोटाइप ये वाले जीन यदि इससे मिलेगी तो भी सेम आएगा, ये जीन इससे मिलेगी तो रिजल्ट आएगा आईबी और आईओ, ये जीन इससे मिलेगी तो भी रिजल्ट आएगा आईबी और आईओ। इनका मतलब हुआ ब्लड ग्रुप ए, इनका मतलब हुआ ब्लड ग्रुप बी, तो आइदर ए और आइदर बी, यानी कि इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 16 का वो है ए आंसर, या तो पहले बच्चे का या तो बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए होगा या बी होगा, और ना मम्मी से मिलेगा ना पापा से मिलेगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो 16 का सभी लोग सही कर लें, सही जवाब है इसका ए। क्लियर बच्चों? 16 का जो सही जवाब है वो है ए, आइदर ए और आइदर बी। चलो आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम्स विल हैव क्लीन फेल्टर सिंड्रोम? क्लीन फेल्टर सिंड्रोम, एक बहुत अच्छा तरीका बताते हैं हम लोग जब इसको पढ़ाते हैं क्लीन फेल्टर को, या जितने भी सिंड्रोम पढ़ाते हैं। क्लीन फेल्टर नाम के साइंटिस्ट ने इसको खोजा था, तो के फॉर क्लीन फेल्टर और के फॉर किन्नर, जो आपके किन्नर होते हैं वो किन्नर क्यों हैं? तो बेसिकली उनके अंदर ये जो बीमारी है ये होती है मेल्स में, किसमें होती है? मेल्स में, पुरुषों में। पुरुष का जो गुणसूत्र होते हैं वो होने चाहिए एक्स बाई, लेकिन जब क्रॉस हो रहा था तो एक एक्स कहीं से एक्स्ट्रा आ जाता है, जिसकी वजह से ट्रिपल एक्स बाई हो जाता है, और इस ट्रिपल एक्स बाई की वजह से होता है क्लीन फेल्टर सिंड्रोम। एक्स एक्स का मतलब है बिल्कुल फीमेल, स्वस्थ फीमेल, एक्स बाई का मतलब है हेल्दी मेल, एक्स ओ का है टर्नर सिंड्रोम, ये महिलाओं में होता है बेटा। तो 17 का क्या जाएगा? ए, करेक्ट आंसर है इसका 17 का ए। ऑफ कोर्स सरबत खान, वेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ये हर एग्जाम के लिए, नॉट ओनली फॉर बीएड, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर जिन जिन एग्जाम्स में जनरल साइंस पूछी जाती है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलें क्या? चलो, म्यूल, म्यूल म्यूल का मतलब जानते हो? मोल भी कहते हैं कुछ लोग। खच्चर इज द हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग ऑफ, बेसिकली जो खच्चर होता है वो किसकी संतान है? 17 का बेटा मैंने क्या बताया था अभी आपको? 17 का ए, नॉट डी, 17 का ए है बेटा, 17 का ए होगा ना कि डी, डबल एक्स बाई नेहा मालवे। यस कन्या तिवारी, ऑफ कोर्स 17 का ए होगा बच्चों। तो खच्चर जो होता है, खच्चर या जिसे मूल के नाम से जानते हैं, म्यूल कहते हैं आप लोग, खच्चर या म्यूल, इनमें होता क्या है, इनमें घोड़ी और गधा, घोड़ी और गधे के बीच में क्रॉस कराया जाता है, यानी कि मेयर फीमेल हॉर्स, और किसके बीच में क्रॉस किया जाता है? डोंकी, मेल डोंकी, इनकी संतान है ये। तो 18 का जाता है डी, 18 का कौन सा गया? कहां बता रहे हो बेटा, मैं कह रहा हूं कि एक घोड़ी और गधे की संतान है, आप कह रहे हो नर और मादा गधे की, नर और मादा गधे से तो गधा ही बनेगा ना, नर और मादा घोड़ा होगा तो घोड़ा ही बनेगा, क्रॉस है ये, हाइब्रिड है, ठीक है, दो अलग अलग प्रजाति के बीच से पैदा हुआ है, मम्मी इनकी घोड़ी होती है, पिताजी जो है वो गधा है, ठीक है। तो 18 का जाएगा डी,
18 का सही आंसर क्या है? 18 का हो गया डी। अब बात आई 19 की, निम्नलिखित में से किसका उपयोग ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर को ट्रीट करने के लिए होती है आपकी कीमोथेरेपी, और कीमोथेरेपी में जिस केमिकल का, देखिए कीमो मीन्स केमिकल, थेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी में जिस केमिकल का इलाज किया जाता है, जिसका यूज करते हैं, दैट इज कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 क्या होता है? ये एक आर्टिफिशियल, इट इज एन आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। 5-6 दिन की इसकी अप्लाई पीरियड होता है, इससे बहुत सारी रेडिएशंस निकलती रहती हैं, और ये जो रेडिएशंस होती हैं बच्चों, ये रेडिएशंस जो आपकी कैंसर सेल होती हैं, कैंसर सेल्स को मारने का काम करती हैं। तो 19 का क्या आंसर हो गया? 19 का भी डी, 18 का डी और 19 का भी डी, 18 और 19 दोनों का डी। गीता समाज, गुड आफ्टरनून बेटा, आगे चलें। गुड, फिनोमिनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर करने वाले कौन थे? वो थे हेनरी बैकुरल। रेडियो एक्टिविटी को किसने डिस्कवर किया है? क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी 18। 18 दो बार हो गया क्या? ओ 20 है क्या? चलिए जो भी होगा। तो रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर करने वाले कौन थे? रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हेनरी बैकुरल ने, ध्यान रखना इसका, हेनरी बैकुरल। रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने, और रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हेनरी बैकुरल ने। हेनरी बैकुरल ने। इसके बाद बारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित ये हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 का कितना क्या जाएगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 20 का जाता है आपका, 20 का आंसर है सही डी। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी, ना कि रेडियो एक्टिविटी की। रेडियम वॉज डिस्कवर्ड बाय मैडम क्यूरी या मैरी क्यूरी, लेकिन रेडियो एक्टिविटी की जो खोज की थी वो की थी हेनरी बैकुरल ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या है। नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन काम करता है? ध्यान रखना, न्यूक्लियर रिएक्टर में काम करता है यूरेनियम। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका बी। तो 20 का डी, 21 का बी। 21 का क्या होता है? बी। क्वेश्चन नंबर 22, ये देखो नाम है, नाम तो याद ही रखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, पोर्टलैंड सीमेंट वॉज इन्वेंटेड बाय। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? तो एक ब्रिटेन का, ब्रिटिश मैसन था, राज था, ब्रिटिश इंजीनियर कहने लगे अब तो हम, जो मकान वकान बनाता था, जो राजमिस्त्री होते हैं ना, चुनाई करते हैं, राजगीर बोलते हैं उनको, वो चुनाई करने वाला मिस्त्री था। तो उसने इसका आविष्कार किया, और पोर्टलैंड सीमेंट का, उसका नाम था जोसेफ एस्पिडीन। जोसेफ एस्पिडीन, कौन सा सही आंसर है? इसका जाएगा सी। 22 का क्या आंसर हो जाएगा बेटा? सी, जोसेफ एस्पिडीन ने खोज की थी बर्फ पानी पर तैरती है। बर्फ पानी पर क्यों तैरती है भाई? चलिए आप लोग जवाब दीजिए, मैं नहीं बोलूंगा। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज, बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि, क्या होता है इसमें?
रुखसाना जी, प्रणाम आर्कमिडीज का प्रिंसिपल। यस, जो चीज जिसकी डेंसिटी कम होती है वही तैरती है। तो इसका सही आंसर है बी, जो भी सी दे रहा है बिल्कुल गलत है। रुखसाना जी आप ठीक कर लें इसको। बर्फ जो होती है हल्की होती है पानी से, हल्की का मतलब डेंसिटी कम होती है, इसीलिए वो पानी के ऊपर तैरती है। रुखसाना गलत जवाब दे रहे हैं बच बेटा आप। इट्स नॉट करेक्ट आंसर। व्हाट इज ड्राई आइस? देखते हैं कौन जवाब देता है इसका। व्हाट इज ड्राई आइस? शुष्क बर्फ या सूखी बर्फ क्या होती है? सॉलिड आइस विदाउट वाटर, बेंजोइक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड और सॉलिड CO2। शर्मा 24 का डी, ओके। ब्रजेश्वरी सिंह डी, चिन्मय डी, संतोष सिंह अहिरवार डी। करेक्ट आंसर बेटा। तो सॉलिड CO2 इज कॉल्ड ड्राई आइस। सॉलिड CO2 इज को हम ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं, शुष्क बर्फ। क्योंकि तो इसको यदि हाथ में लेंगे, पहली चीज तो आप समझ लो कि बिल्कुल आपको लगेगा जल गए, लेकिन सुपर कूल्ड हो जाएंगे आप, जैसे कि झुलस जाते हैं ना भाप से, इतना ही बिल्कुल ठंड में आपकी जो मसल्स है सब बिल्कुल अकड़ जाएंगी, ऐसा लगेगा आपको कि जैसे कि बिल्कुल जल गए हैं आप। तो उसमें आपका काम नहीं चल पाएगा, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आप उसको हाथ से नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन फिर भी यदि आप पकड़ेंगे तो आपके हाथ जो है वो गीले नहीं होंगे, क्योंकि ये जो ड्राई आइस होती है, ये सॉलिड CO2 है, आपके हाथों की टेम्परेचर से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगी CO2 में। यानी यहां पर CO2 में कोई भी लिक्विड स्टेट नहीं होती, जब उसको ठंडा करते हैं तो वो सीधे बर्फ में कन्वर्ट होती है। तो या तो CO2 होगी गैस गैसीय अवस्था में, या तो ये गैस होगी या फिर होगी ये सॉलिड, ये लिक्विड नहीं होती, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, विच मटेरियल इज सुपर कूल्ड लिक्विड? बेटा इस क्वेश्चन का जवाब जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजेंगे, पता चले कि आप लोग कुछ करते हैं या नहीं करते हैं। पिछले वाला आप लोगों ने जवाब नहीं दिया, ठीक है। तो इस वीडियो में जो कमेंट में आप लिख करके भेजेंगे, इसका आप फटाफट लास्ट वाला देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। विच मटेरियल इज सुपर कूल्ड लिक्विड? आइसक्रीम, अमोनिया, ग्लास, वुड। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, तो मैं अभी कोई आपको, चाहे आप गलत दे रहे हैं या सही दे रहे हैं, ज्यादातर गलत जवाब आ रहे हैं मेरे पास, कुछ ने सही जवाब दिया कुछ ने गलत, तो इसको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजेंगे, यहां पर नहीं करना है, ठीक है। यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में लाइव क्लास के बाद में आप इसको मुझे इसका जवाब देंगे। नमस्कार, बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी समय। नमस्कार, तब तक के लिए।